हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, अपने इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सिविल जज से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये वाला जो पेपर है, ये है 2011 का, 2011 में जो पेपर हुआ था। तो हम पार्ट वन जो है GS और GK वाला, ठीक है, तो उसे इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओनली पोर्शन ऑफ लॉ, क्लियर है। और ये जो वीडियो होगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी। 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो 2009 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसे भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन रिसेंट सिनेरियो को देखते हुए कि अपडेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हम 2011 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट किसका क्वेश्चन है? इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द सॉरी इंडियन पिनल कोड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड कमिटिंग थेफ्ट ऑफ ए कंप्यूटर फ्रॉम ए शॉप इज पनिशेबल। कि क्या कर रहा है, कि चोरी कर रहा है। किसकी चोरी कर रहा है भाई? एक कंप्यूटर की चोरी कर रहा है। कहाँ से? दुकान से, है ना। तो वो कहाँ पर पनिशेबल होगी? तो अगर हिंदी मीडियम वाले देखें तो निवास गृह में से चोरी वाला जो प्रावधान है कहाँ पर दिया हुआ है? इंडियन पिनल कोड में कहाँ पर दिया हुआ है भाई? ये दिया गया है 380 में। देखिए भाई, आप सभी को डाउट होगा इस बारे में कि भाई थेफ्ट की बात कर रहा है, चोरी की बात कर रहा है, तो 379 आंसर होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 380 और 5PC क्या कहता है। कह रहा है कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, कि निवास गृह आदि में से चोरी। तो कहता है कि हूएवर कमिट्स थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज यूज्ड एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग, मतलब निवास गृह के रूप में यूज किया जा रहा हो, और यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ ए प्रॉपर्टी, है ना। कस्टडी किसकी? प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज हो रहा हो, जहाँ पर कोई सामान रखा जा रहा हो। शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, की 7 वर्ष की सजा हो सकती है, और क्या हो सकता है? जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है? इसने क्या किया? इसने किया कि भाई भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दुकान से एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय माना जाएगा। तो किसकी बात कर रहा है? निवास गृह आदि में से चोरी की बात कर रहा है। जब दुकान है तो दुकान में संपत्ति रखी हुई है, सुरक्षित रखी गई है, ठीक है। तो ये होगा 380, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे कि स्टेट ऑफ AP, मतलब आंध्र प्रदेश, है ना, वर्सेस आर पुनाया केस जो है, उसमें IPC की किन दो धाराओं में, किन दो सेक्शन में डिफरेंस बताया गया है? तो आर पुनाया वर्सेस कौन सा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, तो इसमें सेक्शन 30A और सेक्शन 30B में डिफरेंस बताया गया, ओके, क्लियर है। इसके बाद में देख लेते हैं। कह रहा है कि इन विच केस द कोर्ट मेड ए क्लियर, किस कौन सा ऐसा केस है जिसमें क्लियर क्या बताया, डिफरेंस बताया है बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, सामान्य आशय एवं समान आशय को अंतर को किस केस में, कौन से वाले केस में क्या किया है, स्पष्ट किया है? तो सभी को पता होगा, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के केस में आंसर होगा हमारा B, क्लियर। IPC के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असोल्ट, मतलब किसकी बात कर रहा है? हमले की बात कर रहा है। कि असोल्ट अंडर सेक्शन 351 ऑफ इंडियन पिनल कोड कैन बी कॉज्ड बाय, किसके द्वारा हमला क्या है, क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत हमला कारित किया जा सकता है, किसके द्वारा? केवल भाव भंगिमा या कोई तैयारी करके, गैशर और एनी प्रिपरेशन के द्वारा भी हमला माना जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो 100 में किसकी बात कर रहे हैं? शरीर के प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं। 101 में, 100 में प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा है, मृत्यु कारित करने तक किसके, राइट ऑफ बॉडी, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, है ना। 101 में कि मृत्यु से अलग, क्लियर है। 102 में
कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, और 103 में किसकी बात करेगा फिर, कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का, मतलब किसी का वध कारित करने तक का हो सकता है, तो 103 में ये प्रावधान है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डिस ऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बिन डिफाइंड, किसकी बात कर रहा है, बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग की बात कर रहा है भाई, ठीक है। और कहाँ पर है ये प्रावधान, बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग का प्रावधान कहाँ पर है, 403 में है। और अगर आपराधिक न्यास भंग की बात करें, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें, तो वो 405 में होगा। तो इसका आंसर क्या है, 403। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड्स फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, की जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स से संबंधित जो प्रावधान है, मतलब थल सेना, नौ सेना और वायु सेना से संबंधित अपराधों के संबंध में जो प्रावधान है, ये कहाँ पर दिए गए हैं, तो कहाँ पर दिए गए हैं, 131 से 140 तक दिए गए हैं। जब राजद्रोह वाला जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, किसकी बात कर रहा है, कि शब्दावली विकृत चित्तता को कहाँ पर, क्या आईपीसी में परिभाषित किया गया, नहीं किया गया है तो क्या है, तो कहीं पर भी विकृत चित्ता अनसाउंडनेस माइंड को आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, कि जो क्या होता है, दुष्प्रेरण का जो अपराध होता है वो कैसे कैसे किया जा सकता है, तो आप सभी को पता होगा, दुष्प्रेरण करने के द्वारा सहायता के मतलब दुष्प्रेरण कैसे होगा, किसी की सहायता करके, है ना, षड्यंत्र करके, और किसी को उकसा कर, तीन तरीके से किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और कहाँ पर प्रावधान है दुष्प्रेरण का, प्रावधान कहाँ पर है, सेक्शन 107 में बात करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज ऑब्जर्व द मैन इज मैंस इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज बिकॉज ही इज बाउंड टू नो इट, क्या कह रहा है, कि कौन से लेखक ने ये कहा कि मनुष्य की कानून के ज्ञान तस्लिए क्षमा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह उसे जानने के लिए बाध्य होता है, तो कौन कहेंगे, ऑनस्टीन जी कहेंगे भाई, सिंपल सी बात है। फिर है, कह रहे कि डेथ पेनल्टी कैन नॉट बी डन अवे विद द इंडियन सोसाइटी, लाइफ इंप्रिजमेंट इज ए रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन, देयरफॉर द एपेक्स कोर्ट प्रोनाउंस्ड इट्स जजमेंट दैट इट कैन बी अवॉर्डेड ओनली इन द अरेस्ट ऑफ रेयर केस द नेम ऑफ द केस इज, कह रहे कि भारतीय समाज से मृत्यु दंड नहीं हटाया जा सकता, उम्र कैद एक नियम होता है और मृत्यु दंड क्या होता है, एक उसका अपवाद होता है। उच्चतम न्यायालय में किस मामले में निर्णय दिया गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए, तो बहुत ही फेमस केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भाई। क्लियर। अब देखिए, क्वेश्चन जो है वो सीआरपीसी के हैं, तो क्वेश्चन क्या है भाई, अंडर सेक्शन 167 कहाँ से, 62 से जो क्वेश्चन है वो सॉरी सीआरपीसी के हैं। क्लियर। कह रहा है, अंडर सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन इज, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक पुलिस क्या रख सकती है, पुलिस कस्टडी में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा सकता है, तो सभी को पता होगा 15 डेज है इसका आंसर, 15 दिन आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने समय तक का दंड दे सकता है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नोट एक्सीडिंग कितना, 7 ईयर, 7 साल तक की सजा दे सकता है, 7 साल से ऊपर की नहीं दे सकता। अब 7 साल से ऊपर तक की कौन दे सकता है, सेशन कोर्ट दे सकता है, एडिशनल सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट कितनी, 10 साल तक की सेशन कोर्ट, मृत्यु दंड तक भी दे सकता है, लेकिन किससे, कंसेंट किसकी लेगा, हाई कोर्ट की लेगा, ठीक है। और हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। इसके बाद में बात करें अगर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट की, तो कितना दे सकता है, 3 साल तक की सजा दे सकता है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना
लगा सकता है। और अगर बात करें सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट की, तो भाई वो 1 साल तक की सजा दे सकता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंपनसेशन इज पेड टू ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन कि बिना किसी कारण के क्या कर दिया भाई तुमने, गिरफ्तार कर लिया किसी व्यक्ति को, है ना, तो निराधार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने के बारे में उपबंध कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है सेक्शन 358 में। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है द एक्यूज्ड हैज इनडेफिसिबल राइट टू बेल व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन कि भाई जो गिरफ्तार कर लिया गया व्यक्ति, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण तो पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो कितने दिन में उसे क्या देना पड़ेगा, अभियुक्त को जमानत का अजय अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे बेल देनी पड़ेगी जब अन्वेषण पूरा नहीं होता है, तो कितने दिनों में, 90 दिन या फिर 60 दिन के अंदर। आंसर डी। एंड सेक्शन कौन सा दिया हुआ है इसमें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 436 के खंड 6 के अनुसार जो अवधि होती है वो 60 दिन की होती है और 90 दिन, दोनों आंसर में होगा, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज जुडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब 482 किससे रिलेटेड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, सभी को पता होगा, इनहेरेंट पावर की बात करता है ना, कह रहे कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, तो धनंजय चटर्जी का जो केस थे इसमें दिए गए थे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए भाई, कह रहे कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ओनली जो लॉफुली जो विवाहित पत्नियां हैं, है ना, मैरिड लीगली वेडेड वाइफ हैं, वही केवल क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकती हैं मेंटेनेंस के लिए अंडर CRPC के सेक्शन 125 में। तो ये सविता बहन सोमा भाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस था, आंसर ए। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद केस डायरी, केस डायरी की बात कौन सा करता है, तो आप सभी को पता होगा सेक्शन 172, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 171 और 172 को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, 172 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए का विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड दैट नो कोर्ट शैल एल्टर द जजमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन साइन कि जब साइन हो गए निर्णय पर, जब भाई तुमने हस्ताक्षर कर दिए जज साहब ने, तो उसके बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो कौन किस सेक्शन में बात की गई है, 362 में कहा गया है। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन प्रोवाइडेड कि क्या हुआ कि भाई दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में ये बताया गया कि आरोप में कोई संयोजन किया जा सकता, मतलब कुछ एडिशन किया जा सकता है, कुछ परिवर्तन भी चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, तो कौन सा सेक्शन इसकी बात करता है, इस सेक्शन ये करता है सेक्शन 216, ठीक है। 216 क्या बता रहा है, उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जब न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC ए सर्च वारंट इज इशू कि सर्च वारंट कहां पर इशू किया जाता है, तो ये किया जाता है सेक्शन 93 में। नेक्स्ट है कि सेक्शन 164 CRPC प्रोवाइड्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, सेक्शन 164 बहुत इंपॉर्टेंट है, CRPC का किसकी बात करता है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट की बात ये करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि इन विच सेक्शन ऑफ द CRPC इट इज़ प्रोवाइडेड दैट ए मेल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 15 ईयर कैन नॉट बी कॉल्ड एट पुलिस स्टेशन की 15 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा उसे पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता, तो इस बात का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है 160 के सबसेक्शन 1 में। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC कोग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बिन डिफाइंड कि कोग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है, तो आप सभी को पता होगा
टू सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस की और टू एल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की दी गई है। आपको जितनी भी ये डेफिनेशन है ना, वो बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ फिटनेस की, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ फिटनेस की। स्टेटमेंट जो होगा विटनेस का, गवाह का जो स्टेटमेंट होगा, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो अन्वेषण अधिकारी होता है, वो कहाँ पर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, कथन मतलब है ना। तो ये कहाँ पर करेगा, सेक्शन 161 में। क्लियर है? तो देखिएगा, यहाँ पर हमने टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर आईपीसी और सीआरपीसी के डिस्कस कर लिए हैं, और टोटल आपको अगर समझ आ रहा हो तो डिटेल में होंगे, जिससे कि आपको ईजिली आप उन्हें समझ पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।